नमस्कार। आगामी 2 से 4 जून को संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में होने वाले कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में देश के अलग अलग राज्यों में आध्यात्मिक जन चेतना शोभा यात्रा निकाली जा रही है और लोगों को इस महासमागम व विशाल भंडारे में सह परिवार पहुंचने के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। इसी से जुड़ी देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा बीते सप्ताह देश के विभिन्न राज्यों में विशाल आध्यात्मिक जन चेतना शोभा यात्रा कबीर परमेश्वर के 626वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कबीर परमेश्वर का शिशु रूप में सशरीर प्रकाट्य सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में ज्येष्ठ चतुर्थी की पूर्णमासी को हुआ था। इस साल ये तिथि 4 जून को है। परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस के अवसर पर संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में नेपाल और भारत के 11 सतलोक आश्रमों में दिनांक 2, 3 एवं 4 जून को अमर ग्रंथ का अखंड पाठ, विशाल भंडारा, रक्तदान शिविर एवं दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां सभी आश्रमों में जोरों शोरों से की जा रही हैं। इस अवसर पर लोगों को आमंत्रित करने के लिए बीते सप्ताह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली इत्यादि राज्यों में सदगुरु शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के माध्यम से अनुयायियों ने अपने पूज्य गुरुदेव तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों से आम समाज को अवगत करवाया तथा दिनांक 2, 3 एवं 4 जून को कबीर साहिब प्रकट दिवस पर होने वाले 3 दिवसीय विशाल समागम में सह परिवार आने के लिए आमंत्रित किया। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि हमारे गुरुदेव का उद्देश्य समाज में फैली बुराइयां, कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंडवाद को जड़ से समाप्त कर मानव समाज को पूर्ण परमात्मा का सद्ज्ञान तथा सद्भक्ति प्रदान करना है। पूरे मानव समाज में शराब, बीड़ी, सिगरेट, भांग, तंबाकू, जुआ, दहेज लेना व देना, भ्रूण हत्या, जातिवाद, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां चरम सीमा पर है। इन्हें समाज से जड़ से समाप्त करना है। इसी उद्देश्य को लेकर कबीर परमेश्वर के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में सद्गुरु शोभा यात्रा निकाल कर लोगों को समाज में फैली बुराइयों को बैनर, होर्डिंग व लाउड स्पीकर के माध्यम से त्यागने का संदेश दिया गया। वहीं इस दौरान अनुयायियों में काफी उत्साह देखने को मिला। सद्गुरु शोभा यात्राओं के दौरान कोई भी अव्यवस्था देखने को नहीं मिली और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रही। कबीर साहिब जी का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि वे सह शरीर शिशु रूप में काशी के लहर तारा नामक तालाब पर प्रकट हुए थे। यही वजह है कि केवल कबीर साहिब जी का ही प्रकट दिवस मनाया जाता है। वेद भी यही बताते हैं कि परमात्मा माँ से जन्म नहीं लेता, बल्कि सह शरीर प्रकट होता है। आप सभी से प्रार्थना है कि आप कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस के 3 दिवसीय कार्यक्रम में अपने नजदीकी सतलोक आश्रम में अवश्य आएं और कबीर जी के बारे में वास्तविक जानकारी जरूर प्राप्त करें। धन्यवाद।